नमस्ते बच्चों बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं के विज्ञान विषय के अध्याय 13 की बात करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक जो है वो है चुंबकत्व। आप इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बात जरूर जान लें कि ये जो पाठ है इसे एक विज्ञान का पाठ करके नहीं, बल्कि हम इसे एक बहुत रोचक तरीके से कुछ कहानी के रूप में और कुछ खुद हम चुंबक का इस्तेमाल कर इस पाठ को आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए नोट कीजिए। देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। चुंबक की खोज कैसे हुई, लोड स्टोन क्या है। आपको शायद ये नहीं पता होगा, पर इस पाठ को पढ़ने के बाद आज आप जानेंगे कि लोडस्टोन है क्या। फिर चुंबकत्व किसे कहते हैं, प्राकृतिक व कृत्रिम चुंबक। इसके बाद हम कुछ चुंबक की विशेषताओं की बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि चुंबकीय कंपास कैसे दूर जो यात्रा करते हैं जहाज पे, पानी के जहाज पे या हवाई जहाज पे, तो वो कैसे उनकी मदद करती है। और हम विभिन्न प्रकार के चुंबक भी जानेंगे। तो बच्चों, मुझे पता है आप अब सोच रहे होंगे कि मैडम कहानी कब बताएंगी, तो चलिए हम कहानी से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, क्या दिख रहा है आपको चित्र में, एक भेड़ दिख रही है और भेड़ को चराने वाले को हम क्या कहते हैं, चरवाहा। तो बच्चों, हम इस कहानी से ये जानेंगे कि चुंबक की खोज कैसे हुई। आपको पता है कि मैग्नेशिया नाम का एक गांव था, वहाँ पर एक चरवाहा था जिसका नाम था मैग्नस। वो अपनी भेड़ों को रोज़ घास चराने गांव के पास वाले एक ऊंचे से टीले पर ले जाता था। आपको पता है कि घास जो है वो टीलों पे या गांव के बाहर है ना बहुत होती है, तो चरवाहे आमतौर पर अपनी भेड़ों को, गायों को, बकरी को, जानवरों को चराने के लिए गांव से बाहर लेके जाते हैं। तो ऐसे ही मैग्नस भी अपनी भेड़ों को गांव से दूर एक टीले पर ले गया। टीले पे चढ़ा तो थोड़ी थकान हुई, थकान होने से वो गया और एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। आपको भी पता है कि जब थकान होती है तो हम बैठ के थोड़ा सुस्ताते हैं, है ना, तो उसने भी वही किया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब वो उठने लगा, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि आप चरवाहे को ज़रूर देखें। जब भी आपके आसपास से कोई चरवाहा जाता है तो देखिएगा उसके हाथ में एक लंबी सी लाठी होती और उस लाठी में नीचे ऐसे लोहा लगा होता है ना, और उस लाठी को वो ठोक ठोक कर चलता है, जानवरों को भी हाँकता है ना। तो जैसे ही वो लाठी रख के पत्थर पर बैठा था और जब उसकी थकान उतर गई और वो उठने लगा, तो थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि उसकी जो लाठी है वो पत्थर से चिपक गई है। अरे ये क्या हुआ, ऐसा उसके जूतों के साथ भी हुआ क्योंकि उसके जूते में भी लोहा लगा था नीचे। अब वो जूता खींचे तो लाठी चिपक जाए, लाठी उठाए तो जूता चिपक जाए। बहुत मशक्क़त के बाद मुश्किल से वो उस पत्थर से किसी तरह अपने जूतों को और लाठी को अलग कर पाया। उसे बहुत अचंभा हुआ। शाम को वो अपने वापस गांव गया तो उसने पूरे गांव वालों को ये आज जो घटना हुई उसकी कहानी बताई। अब सारे गांव वाले जो थे वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे होता है, ये क्यों हुआ होगा, क्या कारण होगा, क्या वजह होगी। सभी गांव वाले जो हैं वो उसके साथ दूसरे दिन अपने घर का जितना भी लोहे का सामान था वो लेकर उसके साथ उस पत्थर के पास गए। कारण जानने के लिए चरवाहे ने वहां पर खुदाई की। जब खुदाई की तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि नीचे एक चुंबक को आकर्षित करने वाली बड़ी सी काली चट्टान है और इस चट्टान को ही हम आज क्या कहते हैं, लौह अयस्क, क्योंकि इस अयस्क में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है ना। तो ये जो चट्टान थी
इस पे सभी गांव वालों ने, जो कुदाली लेके आया, जो फावड़ा लेके आया, कुछ अपना लोहे की छड़ लेके आए, सब लगा लगा के देखने लगे। उन्हें तो ये जादू लग रहा था, देखते कि उनकी सारी लोहे की चीज़ें जो थी वो उस पत्थर से चिपक जा रही थी, लेकिन जो लोहे की चीज़ें नहीं थी वो उस पत्थर से आकर्षित नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि ये एक मैग्नेटाइट, जिससे कि लोहा आकर्षित करने का गुण है वो है, उसे उन्होंने मैग्नेटाइट नाम दिया और उसे वो मैग्नेटाइट कहने लगे। और इसमें एक विशेषता था कि ये सारी लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो यहाँ से हमको फिर अलग अलग देशों ने अपनी अपनी जो है इसकी कैसे उत्पत्ति हुई इस बारे में कहानियाँ लिखी हैं, पर हमारी पुस्तक में जो ये कहानी थी वो ये थी। तो आपकी पुस्तक में भी ये कहानी है, इसे फिर से आप रोचक तरीके में दी है, पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उन्होंने जो है इसे क्या नाम दिया था, मैग्नेटाइट। अब इसमें हमने एक और बिंदु कहा कि लीडिंग या लोडस्टोन क्या है। तो जो मैग्नेटाइट था वो उसका उन्होंने एक छड़ रूप में या छड़ के आकार में टुकड़ा लिया और उस टुकड़े के बीचों बीच उन्होंने एक लंबा सा धागा बांधा। अब उस धागे को बांधने के बाद उसे वो इस तरह लटका कर देखने लगे। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, हाँ। जब उन्होंने इस तरह उसे लटकाया तो हर बार उन्होंने देखा कि वो जो छड़ है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो ये हमेशा उत्तर और दिशा ऐसा ही ठहरता है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे हम दिशा जानने के लिए इस्तेमाल करें। जैसे समुद्र में जब यात्रा करते हैं तो वहाँ तो कोई बिल्डिंग या पेड़ नहीं होता जिसे वो देखें कि इस दिशा में ये पेड़ है तो ये दिशा ये होगी, वहाँ तो सिर्फ पानी ही पानी है। या आसमान में ऊंचा हवाई जहाज जब उड़ता है तो वहाँ कुछ थोड़ा दिखता है ना। तो ऐसे समय फिर ये हमारे काम आएगा। तो इसे उन्होंने क्या कहा, दिशा सूचक। ये हमें किसकी सूचना दे रहा है, ये हमें दिशाओं की सूचना देता है, इसलिए इसे उन्होंने क्या कहा, दिशा सूचक, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये सारा तो इतिहास हुआ, लेकिन आज के जो विज्ञान है उसमें हम चुंबक किसे कहते हैं, तो इसकी कोई परिभाषा भी होगी, है ना। तो लिख लीजिए, चुंबक किसे कहते हैं, लिखिए, जो लोहे और उससे बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबक। आपके बहुत से खिलौनों में भी चुंबक होता है, आपके पास भी देखा मैंने, बहुत से बच्चों के पास चुंबक भी होता है, जिसे वो कभी लोहे की कील चिपकाएंगे, कभी लोहे के दरवाजे के जो हैंडल होते हैं उस पे लगा कर देखते हैं, तो वो एक जादू नुमा लगता है ना, मज़ा आती है उससे खेलने में। तो वो लोहे की सारी चीज़ों को आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, चुंबक। अंग्रेजी में इसे मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। फिर चुंबक का एक गुण है ना, जिसमें वो सारी लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब आप जो है इस पाठ में ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे उसे भी जानेंगे। अब आपको पता है कि सारे पदार्थ तो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो रहे, तो जो नहीं होते चुंबक की ओर आकर्षित उन्हें हम क्या कहें, उन्हें हम कहेंगे अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर हम दो प्रकार के चुंबक जो हैं उनकी बात कर सकते हैं। एक तो वो जो प्रकृति में मिलते हैं या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और एक वो जिसे मानव निर्मित करता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक। जो पृथ्वी का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला लौह अयस्क है ना, उसे मैग्नेटाइट कहा था हमने, है ना। तो वही प्राकृतिक चुंबक है। ये लोहे का एक ऑक्साइड होता है। लोहे का ऑक्साइड आप अभी नहीं समझ पाएंगे, पर फिर भी आपको बता दूं कि जब लोहा और ऑक्सीजन में क्रिया होती है, दोनों का संयुग्म होता है, जिसे हम लौह ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक चुंबक जो होता है इसमें चुंबकत्व की जो विशेषता है वो बहुत कम परिमाण की होती है, ठीक है।
और इनका आकार जो होता है वो कैसा होता है, अनियमित। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं, यानी कम टिकाऊ होंगे और ये अत्यधिक भंगुर होते हैं। ये जो बात हुई ये इसके गुणों की बात की हमने। अब हम दूसरे प्रकार की चुंबक की बात करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक। यहाँ पर देखिए, कुछ धातु और मिश्र धातु, मतलब धातुओं से मिलकर जो धातु बनेगा उसे हम मिश्र धातु कहेंगे। इसे हम कृत्रिम उपायों द्वारा करके शक्तिशाली चुंबक में बदल सकते हैं। तो ऐसे चुंबक को हम क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक। जैसे स्टील, कोबाल्ट स्टील, निकेल स्टील, ये जो है ये कुछ रसायन हैं जिनके नाम हैं, इनके द्वारा हम कृत्रिम चुंबक जो है उन्हें बना सकते हैं। और इनकी भी एक विशेषता है कि इनका जो चुंबकत्व होता है वो बहुत लंबे समय तक, यानी कि दीर्घ काल तक बना रहता है। अब हम चुंबक के कुछ गुणों को देखते हैं। इस चित्र को देखिए, इसमें आपको लाल रंग से और नीले रंग से मैंने चुंबक के दो ध्रुव दिखाए हैं, जिसे पोल्स कहते हैं अंग्रेजी में, या दो सिरे कहें आप। तो एक सिरा जो है उस पर मैंने लिखा, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, एस लिखा है और दूसरे पे लिखा है एन। एन का मतलब होता है नॉर्थ, यानी हिंदी में हम कहेंगे उत्तर, और एस का मतलब होता है साउथ, हिंदी में हम क्या कहेंगे, दक्षिण। अभी आपको मैंने बताया था कि जब इसे धागे से लटकाया गया तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता था। तो चुंबक के ये जो दो सिरे हैं इस पे आप देखिएगा नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तर और दक्षिण लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, समान ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, समान ध्रुव मतलब दो दक्षिण या दो उत्तर आपस से हमेशा दूर भागेंगे, ये चुंबक का एक गुण है। लेकिन अगर विपरीत ध्रुव एक के पास लाए हम एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे की ओर हमेशा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यहाँ देखिए चित्रों में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, जहाँ समान ध्रुव थे उनमें देखिए कितनी गैप है ना, खाली जगह, और दूसरे में देखिए विपरीत ध्रुव है, नॉर्थ साउथ है ना, लाल और नीले से दिखाया है, तो वो देखिए आकर्षित होके एक दूसरे के एकदम करीब या पास आ गए हैं। तो ये चुंबक की कुछ विशेषताएं हुई। अब हम आपकी पुस्तक से ही इस चित्र को लेकर पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक कौन कौन से हैं। आपकी पुस्तक में 13.2 में ये चित्र दिया गया है। पहला चित्र जो है क, वो क्या है, दंड चुंबक। दंड चुंबक, नाल चुंबक। नाल क्या होती है, घोड़े के पैरों में जो नाल लगती है उसका आकार देखिए ऐसा होता है ना ऊपर ऐसा, तो वो नाल चुंबक, या उसे अंग्रेजी में हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। एक और है यू आकार का चुंबक, इस तरह अंग्रेजी की वर्णमाला में कैपिटल यू लिखते हैं ना आप, तो यू आकार का चुंबक। और एक है गोलांध, जिसके जो अंत है वो कैसे हैं, गोल, तो वो हुआ गोलांध चुंबक। और एक है चुंबकीय सुई। तो ये सारी चित्र आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं, इन्हें आप ज़रूर देख लें और इन्हें आप बनाकर भी देखें। ये देखिए ये क्या है, ये है चुंबकीय कंपास, या कंपास सुई भी इसे कहते हैं। इसे हम बहुत गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। यहाँ देखिए ऊपर लिखा है N, नीचे लिखा है S। आपको पहले ही बताया N का मतलब है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, S का मतलब है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक, और अगर आप आड़ी लाइन देखें तो वहाँ लिखा है W उस छोर पे, और इस छोर पे लिखा है E। W का मतलब होता है वेस्ट और E का मतलब होता है ईस्ट, पूर्व, और वेस्ट मतलब पश्चिम। ईस्ट को हम कहते हैं पूर्व, वेस्ट को हम कहते हैं पश्चिम। ठीक, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप नॉर्थ और वेस्ट, N और W, इनके बीच में मैंने एक ऐसी डॉटेड लाइन दिखाई है, दिख रही है ना, वहाँ पर मैं लिखा है N W, जिसका मतलब हुआ नॉर्थ वेस्ट।
ये दिशा हुई। उसी तरह एस और ई, साउथ और ईस्ट के बीच में देखें आप, वहाँ पर भी आपको दिखेगा एस ई, एन और ई के बीच में दिखेगा एन ई, एस और डब्ल्यू के बीच में दिखेगा एस डब्ल्यू। तो जो आपको दिख रहा है वही वो दिशा है। चार दिशाएं तो आपको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इनके बीच बीच में क्या होगा फिर? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो इस तरह ये जो कंपास है, इसकी जो सुई है वो घूमकर दिशाएं बताती हैं, और उसी दिशा की ओर फिर जहाज या जो ट्रैवलर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी चुंबक की सुई जो है इसकी दिशा के अनुसार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत रोचक बातें हैं जो आज इस पाठ में आपने जानी हैं। हमने क्या क्या सीखा एक बार देख लें। हमने सीखा कि चुंबक की खोज कैसे हुई थी, हमने ये जाना कि चुंबक क्या है, हमने विभिन्न प्रकार के चुंबकों की भी बात की, और हमने प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक क्या है इस पर भी आज चर्चा की। कॉपी निकालिए और जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? चुंबक किसे कहते हैं? आपको पता है ना? फिर हमने चुंबक के कुछ गुणों की बात की थी, वो सारे गुण आप अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, चुंबक के गुण। तीसरा प्रश्न क्या है? लोडिंग स्टोन क्या है? आपको एकदम शुरुआत में मैंने आपको बताया कि लोडिंग स्टोन क्या है। और अंतिम प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के चुंबक की आकृतियां बनाइए। आपने विभिन्न प्रकार के चुंबक कौन कौन से पढ़े आपको पता है ना? छड़ चुंबक, फिर नाल चुंबक, फिर यू आकार का चुंबक पढ़ा ना। तो वो सारे जो आपने पढ़े आज, उन सारे चुंबकों की आकृतियां आपको अपनी कॉपी में बनानी है। तो बच्चों, ये तो हमने आज आधा पाठ पढ़ा है। इसका अगला भाग लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नमस्कार।